उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके बच्चे, अभी जो है अपना नया क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो है हमने क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर वन जो है पेज नंबर 3 पे है आपके इस्लामियात की बुक में। और क्वेश्चन नंबर वन जो था वो क्या था कि अल्लाह ताला ने हम सबको किसने पैदा किया है? तो हम सबको किसने पैदा किया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हम सबको किसने पैदा किया है? हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। मतलब सारे के सारे चीजें जो है ये किसने पैदा किया है? ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने पैदा की है। सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान, दरिया, ये सब किसने बनाए हैं? ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ओके बच्चे, अभी जो है आज जो है हम लर्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को, और ये जो है आपकी इस्लामियात बुक में पेज नंबर 3 पे है। कौन से पेज पे? पेज नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह ताला के एक मानने वालों को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता है कि हम सब कौन है? हम सब मुसलमान है। हम सब कौन है? हम सब जो है मुसलमान है। और जो लोग मुसलमान होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। क्योंकि हमारा फ्रेंड जो है अल्लाह मियां कौन है? हमारा फ्रेंड है। और शैतान जो है वो हमारा दुश्मन है। सो हम सब का मजहब क्या है? हम सब किसकी बातें मानेंगे? और हम सबको किसने पैदा किया है? ये सारे की सारे बातें किस चीज में आती है? हमारे मजहब में आती है। तो टॉपिक का नाम भी है हमारा मजहब। और जो क्वेश्चन आज हम लर्न करते हैं वो क्या है कि अल्लाह ताला के एक मानने वालों को क्या कहते हैं? कि जो लोग अल्लाह ताला को मानते हैं वो उसको क्या कहते हैं? तो उन लोगों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुसलमान कहते हैं। अल्लाह ताला के एक मानने वालों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। ओके, अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुसलमान जो है वो किसकी इबादत करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वो अच्छे काम करते हैं और बुरे काम नहीं करते। वो अपनी मम्मा और बाबा की बात मानते हैं, टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं? बड़ों की इज्जत करते हैं। सो पिक्चर में देखिए, ये सारे अच्छे बच्चे हैं आप लोगों की तरह। आप लोग भी अच्छे बच्चे हैं ना? ये तो उनको देखो, ये क्या कर रही है? सलाम कर रही है। सो अच्छे बच्चे हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं ना, तो वो किसकी बात मानते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बात मानते हैं। और उनको फिर क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुसलमान। आप लोगों को पता है ना कि हम कहते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला को एक मानते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह जो है सिर्फ और सिर्फ एक है। अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। तो वो कौन लोग हैं? वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं। कौन लोग हैं वो? मुसलमान। और मुसलमान लोग क्या करते हैं? अच्छे काम करते हैं। वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कितनी बार नमाज पढ़ते हैं दिन में? 5 बार नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, वो कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार नमाज पढ़ते हैं। सो इनको क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। शबाश, रिवाइज करें। अल्लाह ताला के एक मानने वालों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान क्या करते हैं? इबादत करते हैं कि नहीं? आप लोग नमाज पढ़ते हैं? ये देखो पिक्चर में आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? ये दो बच्चे हैं, एक जो है गर्ल है, लड़की है, और दूसरी जो है वो लड़का है, बॉय।
तो ये क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहे हैं। और नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अल्लाह जो है हमसे खुश हो जाए और शैतान शैतान हमसे दूर चला जाए, क्योंकि वो गंदा है। सो ये भी कौन लोग हैं? ये जो है मुसलमान लोग हैं, क्योंकि ये जो है अल्लाह ताला को एक मानते हैं, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वाओ, दूसरी पिक्चर को देखो, ये क्या कर रहे हैं? कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। क्या? तिलावत कर रहे हैं। तो कौन लोग जो है वो तिलावत करते हैं? जो मुसलमान लोग है ना, जो मुसलमान बंदे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो तिलावत करते हैं। और जो मुसलमान नहीं होते, वो अल्लाह ताला की इबादत बिल्कुल नहीं करते। वो जो है अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला को मानते नहीं है, तो अल्लाह ताला की इबादत किस तरह करेंगे? और ये जो है ये अल्लाह ताला को एक मानते हैं, तो ये मुसलमान है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो कौन लोग है जो अल्लाह ताला को मानते हैं? मुसलमान लोग हैं। और अल्लाह ताला को कितने मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। उसका यकीन होता है कि अल्लाह जो है सिर्फ और सिर्फ एक है, और इसके साथ कोई इबादत के लायक नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। अच्छा, दूसरी पिक्चर में देखो, ये क्या कर रहे हैं? ये जो है इसकी मम्मा को देखो, वो अपने बच्चों को इस्लामिक पोएम कर रहे हैं, इस्लामिक स्टोरी जो है वो इसको कहानी सुना रहे हैं। तो ये जो है ये देखो, सारे बच्चों ने, ये दो बच्चों ने स्कार्फ पहने हैं, और ये दो ने टोपी जो है इसके सर पर, आप नजर आ रही है ना, इसके सर पर क्या है? टोपी है। तो ये जो है इस्लामी बातें हो रही हैं, इसलिए इसके सर पे इसके हेड जो है वो कवर है, दुपट्टा है, और बॉय जो है इसके सर पे टोपी है। सो ये कौन से लोग हैं? ये मुसलमान लोग हैं। ये अल्लाह ताला की बातें कर रहे हैं। सो जो लोग अल्लाह ताला की बातें करते हैं, तो इनकी हेड जो है वो कवर होनी चाहिए, इसकी बाल जो है वो नजर नहीं आते। तो वो कौन लोग हैं? वो मुसलमान लोग हैं। कौन लोग हैं? ये मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। कौन से लोगों को मुसलमान कहते हैं? उन लोगों को मुसलमान कहते हैं जिनका अकीदा होता है, जिनका यकीन होता है कि अल्लाह जो है सिर्फ और सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और ये सारे चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो वो कौन से लोग हैं? वो मुसलमान लोग हैं। कौन से लोग हैं? वो मुसलमान हैं। उनको पता है कि हमारा मजहब जो है वो क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है, और ये सारे बातें इस्लाम में शामिल है। तो मुसलमान लोगों का अकीदा होता है, उनका यकीन होता है कि अल्लाह जो है सिर्फ एक है। कोई आपसे पूछे कि अल्लाह ताला कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? एक है। अल्लाह ताला कितने हैं? एक है। कितने हैं? एक। शवास मेरे साथ रिपीट करें, अल्लाह ताला कितने हैं? एक है। कितने हैं? एक। वन। कितने हैं? एक। अल्लाह ताला कितने हैं? एक। और जो लोग अल्लाह ताला को मानते हैं, मानने का मतलब जो इनका यकीन होता है कि हाँ अल्लाह जो है सिर्फ और सिर्फ एक है, तो फिर उन लोगों को क्या कहलाते हैं? उन लोगों को हम मुसलमान कहते हैं। किन लोगों को हम मुसलमान कहते हैं? जिनका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो, जिनका यकीन हो कि अल्लाह जो है सिर्फ एक है। अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं?
मुसलमान कहते हैं, क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं। अच्छा आप लोगों को पता है ना कि मुसलमान जो है किसकी इबादत करते हैं? मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अच्छा ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये भी इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। सो किसकी इबादत करते हैं? सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। किसकी इबादत ये लोग कर रहे हैं? अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। किसकी? अल्लाह ताला की। अभी पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखो बच्चे ने स्कार्फ पहना है और ये लड़का जो है, ये जो बॉय है, इसके सर पे टोपी है। जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो आप जो है हेड को कवर कर दो कि नहीं? तो ये कौन से लोग हैं? ये मुसलमान लोग हैं। कौन से हैं? मुसलमान। अच्छा आप लोगों को पता है मुसलमान दिन में कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार। और कौन कौन से टाइम? फजर, जिस टाइम जैसे वो उठ जाए, इसको हम सुबह सवेरे कहते हैं, सुबह। तो सुबह टाइम को जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? फजर। क्या? फजर। फजर मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। किस टाइम? फजर, ये पहला है। अच्छा दूसरा क्या है? ये है जोहर। वाह, अब देखो आसमान में आप लोगों को सूरज नजर आ रहा है ना, जिस टाइम आप लोगों की छुट्टी होती है, जब आप घर जाते हो स्कूल से, तो फिर लोग नमाज पढ़ते हैं ना। जैसे आप लोग खाना खाते हो तो इसके बाद लोग आप क्या फिर क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे। तो ये कौन सा टाइम है? फर्स्ट वन क्या था? फजर, दूसरा जोहर, फिर तीसरा जो है असर। क्या? असर। असर ये कौन सा टाइम है? हाँ जिस टाइम जो है आप लोग, मतलब आप लोगों ने खाना खाया है, फिर आप लोगों ने नमाज पढ़ा है, तो वो जोहर हो गई, फिर आप लोग सोते हैं क्योंकि आप लोग थक जाते हैं स्कूल से जब जाते हो। अब कौन सा टाइम हो चुका है? जब आप लोग जो है उठ जाते हो, तो जिस टाइम आप लोग फिर चाय पीते हो और नमाज भी पढ़ते हो, तो वो कौन सा टाइम है? असर। क्या? असर। अब जो है चौथा, चौथे नंबर पर कौन सा है? ये है शाम का टाइम, इवनिंग टाइम, मगरिब, इवनिंग टाइम, शाम को। और फिर लास्ट वन इशा। लास्ट वन क्या है? इशा। ये कौन सा टाइम है? ये नाइट टाइम है। कौन सा? नाइट टाइम में। कौन सा है ये? नाइट टाइम, जिस टाइम आप लोग सोते हैं, तो सोने से पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए? नमाज पढ़ना चाहिए। सो ये 5 बार नमाज जो है कौन से लोग पढ़ते हैं? मुसलमान पढ़ते हैं। कौन से लोग पढ़ते हैं? मुसलमान। और मुसलमानों का अकीदा जो है क्या है कि वो लोग जो है अल्लाह ताला को एक मानते हैं, वो जो है अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग नहीं होते। जब वो जाते हैं ना घर से निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, मम्मा को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। आते हैं तब भी सलाम करते हैं और जब जाते हैं तब भी सलाम करते हैं। सो ये कौन से लोग हैं? ये मुसलमान लोग हैं। अच्छा नेक्स्ट पिक्चर को देखो, ये क्या है? ये भी एक बहुत अच्छी बच्ची है। ये देखो, ये इसकी मम्मा जो है इसको बात इसके साथ बातें कर रहे हैं ना, तो ये जो है आराम से बैठी है और मम्मा की बातें सुनती है आराम से, क्योंकि ये जो है मम्मा की बात मानती है। और जो लोग मम्मा और बाबा की बात मानते हैं वो कौन से लोग हैं?
वो अच्छे बच्चे है, और जो अच्छे बच्चे है तो वो फिर कहाँ पे जाएंगे, वो फिर जन्नत में जाएंगे, और जन्नत में कौन से लोग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जाएंगे। अच्छा ये देखो, वाओ नेक्स्ट पिक्चर, ये क्या कह रही है, ये कह रही अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कौन से लोग कहते हैं, मुसलमान लोग कहते हैं। मुसलमान लोग क्या कह, क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। कब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब वो खाना खत्म करते हैं ना, तो फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओके बच्चे, आप लोगों ने लर्न कर दिया टॉपिक, और टॉपिक में हमारा क्वेश्चन था क्या, हमारा क्वेश्चन था कि अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं। सो अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मुसलमानों में कौन कौन सी खूबियां शामिल है, तो वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह कल मैं जो है इनमें आप लोगों से क्वेश्चन करूंगी, ठीक है ना। कल जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि हम सबको किसने पैदा किया है, तो हम लर्न कर चुके हैं। और आज का क्वेश्चन था अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं, तो अल्लाह ताला को एक मानने वालों को क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। क्या कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। अभी जो है आप लोग होमवर्क नोट करें, शाबाश। होमवर्क है लर्न लर्न क्वेश्चन नंबर वन ऑन पेज नंबर थ्री। लर्न क्वेश्चन नंबर वन ऑन पेज नंबर थ्री। और ये ओरल वर्क है, कौन से सब्जेक्ट में, इस्लामियात में, इस्लामियात, इस्लामियात ISLAM, इस्लामियात। ओ का मतलब क्या है, ओरल, इस्लामियात ओरल। लर्न LEARN, लर्न ये कैपिटल क्यू जो है इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन। लर्न क्वेश्चन वन, विच वन क्वेश्चन, आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन जो है लर्न करना है, वन। ओ एन ऑन कहाँ पे, पीजी, पीजी का मतलब जानते हो, पेज। क्या, पीजी स्टैंड फॉर पेज, पेज एन ओ नंबर, एन ओ का मतलब क्या है, नंबर, नंबर थ्री, पेज नंबर थ्री। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।